हेलो एवरीवन वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट किंग लर्नर आज हम करेंगे एन साइंस क्लास सेवन चैप्टर नंबर फिफ्टीन लाइट लाइट मींस लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइट इज नीडेड टू सी थिंग्स अराउंड अस लाइट अनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच इट कम्स और फ्रॉम विच इट इज रिफ्लेक्टेड वी डिटेक्ट लाइट विद आवर आईज जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है अबाउट द लाइट दो प्रकार के लाइट एक तो खुद का जिनके पास खुद का स्वयं का प्रकाश होता है जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं और दूसरा उनके पास भी स्वयं का प्रकाश होता है बट दीज आर द मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट्स सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर यू माइट हैव सीन ए बीम ऑफ सन लाइट वेन इट एंटर्स ए रूम थ्रो ए नैरो ओपनिंग एयर ए होल आपने देखा होगा जब भी कभी कोई बीम ऑफ लाइट सन लाइट हमारे रूम में जब हम बिल्कुल अच्छी तरह से रूम को सारे को बंद कर लें अंदर अंधे अंधेरा हो जाए और बाहर से एक छोटा सा छेद छोड़ दिया जाए जिसके द्वारा लाइट एंटर कर जाए उस रूम से तो वो जो नैरो बीम ऑफ लाइट है हमें वो दिखाई देती है अच्छे से you may have also seen beam of light from the headlamps of scooters cars and engines of trains figure 15.1 uh, a similarly a beam of light can be seen from a torch some of you have seen a beam of searchlight from a lighthouse or a, from a, from an airport टावर सो वट डू दीज एक्स एक्सपीरियंसिस सजेस्ट ये सभी जो भी एक्सपीरियंसिस है वो क्या बताते हैं कि लाइट हमेशा हमारी तरफ सीधी चल के आती है कभी भी लाइट मुड़ के नहीं आती बाई चांस लाइट इस दीवार जो हमारे सामने वाली दीवार है कहीं भी हम बैठे हैं हमारे जो सामने वाली दीवार है इसके पीछे से अगर कोई लाइट चलती है तो वो ये नहीं होगा कि इस द्वार के ऊपर से आ जाए साइड से आ जाए इधर से आ जाए उधर से आ जाए नॉट पॉसिबल सो जैसा कि फिगर फिफ्टीन पॉइंट टू में दिखाया गया है लुकिंग एट ए कैंडल थ्रो ए स्ट्रेट एंड बैंट पाइप तो फर्स्ट एक फिफ्टीन पॉइंट ए टू ए में देखेंगे तो बिल्कुल सीधी पाइप से हम लोग कैंडल फ्लेम को देख रहे हैं तो हमें ये अच्छी अच्छे से दिखाई देती है क्योंकि जो वो लाइट है वो कैंडल uh, फ्लेम से हमारी आज तक डायरेक्टली आ जाती है बट इन सेकेंड पोजिशन फिफ्टीन पॉइंट टू बी इन दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज जो बैंट पाइप है वहाँ पर बीम ऑफ कैंडल लाइट रुक जाती है उससे आगे नहीं जा पाती जिसके कारण हमें ये कैंडल uh, फ्लेम दिखाई नहीं देती 15.1 लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन जैसा कि आपने क्लास सिक्स में भी सीखा है इसी प्रकार से सेम जो आपको डायग्राम अभी दिखाया गया था 15.2 लुकिंग एट ए कैंडल थ्रू ए स्ट्रेट एंड ए बैंड पाइप तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से लाइट ट्रेवल करती है थ्रू ए बैंड पाइप और थ्रू ए स्ट्रेट पाइप स्ट्रेट पाइप से तो डायरेक्ट दिखाई देगा हमें बट बेंट पाइप से यही हमारा जो रिफ्लेक्शन है लाइट का या हमारा जो लाइट uh, चलने की जो डायरेक्शन है वो यहीं ब्रेकआउट रुक जाती है क्यों क्योंकि ये आगे बेंट हो जाता है सो so, नेक्स्ट आप देखते हैं समटाइम्स आपके बिल्कुल सामने पोन्ट्स होते हैं तो पॉन्ड्स के अंदर क्या होता है आपको उसका रिफ्लेक्शन दिखाई देता है बहुत सारी चीजों का उसके अंदर के अंदर जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी रहे हैं तो ये सब किस प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन वाटर वाटर के अंदर जो रिफ्लेक्शन प्राप्त होता है ये सभी लाइट के द्वारा ही संभव हो सकता है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अब एट ए लाइटेड कैंडल फर्स्ट थ्रो थ्रो ए स्ट्रेट पाइप एंड देन थ्रो ए बैंड पाइप तो इस बारे में आपको अच्छी तरह से बता चुका हूं नेक्स्ट है फिफ्टीन पॉइंट टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग बैक द रेज ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द सर्फेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मीन्स यहां पर क्या होता है कि, कि किसी भी सतह से कोई लाइट टकरा के वापिस चली जाती है इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे वापिस चली जाती है दैट वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सो एनी पॉलिस्ड और एनी पॉलिस्ड और ए साइनी सरफेस कैन एक्ट एज ए मिरर मिरर की तरह कार्य कर सकती है वट ए मिरर जब लाइट पड़ती है किसी मिरर पे तो क्या होता है जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने अभी आपको दिखाया था यू हैव लर्न इन सिक्स क्लास दैट दैटर मिरर इज द डायरेक्शन ऑफ ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट दिस चेंज डायरेक्शन बाय ए मिरर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कुछ डेमो करके दिखाया था इस प्रकार से मीन्स ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे तो मिरर के सरफेस के बिल्कुल 90 डिग्री पे होती है नॉर्मल इस नॉर्मल के साथ ये एंगल इंसिडेंट रे का जो एंगल बनता है आई वो रिफ्लेक्टेड एंगल आर के हमेशा बराबर होता है एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर सो रिफ्लेक्शन के जो भी एंगल्स हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं नाउ फिफ्टीन पॉइंट वन टेक अ टोर्च कवर इट क्लास विद ए चार्ट पेपर विद विच हैज थ्री नैरोस एज सॉन इन फिगर फिफ्टी पॉइंट फाइव स्प्रेड ए शीट ऑफ स्प्रेड ए शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन ए स्मूथ वुडन बोर्ड तो हम थोड़ा सा इसमें देखेंगे एक्टिविटी के अंदर भी कुछ दिखाया गया है जैसे कि एक लॉयन एक लॉयन अपने आप को एक वेल के अंदर देख पाता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट विच रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ सरफेस ऑफ वाटर वाटर की सरफेस से ये क्या है लाइट रिफ्लेक्ट होके वापिस शेर uh, को दिखाई देती है और एक जो कनिंग रैबिट है वो इस प्रकार से बच जाता है शेर के खाना बनने से क्योंकि रैबिट शेर लॉन को आके बोलता है कि मुझे आने में देरी इस वजह से हुई कि कुएं के शेर ने मुझे रोक लिया था वो कहता है मेरे सिवाय इस जंगल में कौन हो सकता है तो वो जाके देखता है तो कुएँ में उसी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है जिससे शेर कुएँ के अंदर उसको पकड़ने के लिए छलांग लगा देता है वहाँ कुछ नहीं मिलता उसे सो so, नेक्स्ट आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बीम ऑफ लाइट्स को रिफ्लेक्ट करता है नेक्स्ट हम देखेंगे डज द मिरर चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट नाउ मूव द टॉर्च स्लाइटली टू आइदर साइड्स डू यू फाइंड एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट क्या आपको कोई इसमें चेंज दिखाई देता है लुक इन टू द मिरर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट डू यू सी द दिल्ड इन द मिरर दिस इज द इमेज ऑफ द सार्स दिस एक्टिविटी शोज हाउ लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ए प्लेन मिरर ये एक एक्टिविटी है जो शो करती है किस प्रकार से एक मिरर लाइट को रिफ्लेक्ट कर पाता है नेक्स्ट एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट टू क्वेश्चन हैंडल द लाइटेड कैंडल विद केयर इट इज बेटर इफ दिस एक्टिविटी इज परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ए टीचर और एन एल्डर पर्सन जय जब भी आप कोई भी इस प्रकार की इस प्रकार की एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो टीचर की प्रेजेंस यहाँ पर मस्ट रहती है होनी चाहिए उसी की प्रेजेंस में ऐसा सब कुछ आ, संभव हो तो अच्छा रहता है प्लेस ए लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर

कोई दूसरी कैंडल रख दी गई हो और बट वी नो वेरी वेल दिस इज एन रिफ्लेक्शन ऑफ कैंडल ये कैंडल का रिफ्लेक्शन है फ्रॉम द सरफेस ऑफ मिरर सो विच अपियस बिहाइंड द मिरर इज दैट इमेज वो इमेज होती है ना कि कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ऑफ द कैंडल फॉर्म बाय द मिरर द कैंडल इट्स सेल्फ इज द ऑब्जेक्ट और जो कैंडल होती है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं मीन्स एक इन दोनों में से दिस वन इज द ऑब्जेक्ट दिस वन इज द इमेज जो कि मिरर के अंदर दिखाई देती है नेक्स्ट बूजो नोट नोटेड इन द इन हिज नोटबुक इज इट नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी इमेजेस इज ऑफ द सेम साइज एज मी वेदर द मिरर इज स्मॉल और लार्ज मीन्स मिरर लार्ज या स्मॉल हो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता लेकिन प्लेन मिरर के अंदर सेम साइज़ की इमेज बनती है हमेशा वाज द इमेज अपराइट इन ईच केसेस क्या हर केस में ही जो इमेज है वो सीधी बना, बनती है इरेक्ट बनती है सच इमेज इज कार्ड इरेक्ट मीन्स जो अगर सीधी बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बिल्कुल सीधी अपराइट बनती है दैट वन इज द इरेक्ट इमेज उसे हम इरेक्ट इमेज बोलते हैं एंड इमेज फॉर्म बाय ए प्लेन मिरर इज इरेक्ट एंड द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट कोई भी किसी प्रकार का प्लेन मिरर होता है वो इमेज को सीधी इरेक्ट और सेम साइज की बनाता है नाउ प्लेस ए वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर ट्राई टू ऑपटेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन द स्क्रीन कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन क्या आप इस इमेज को स्क्रीन के ऊपर ले सकते हैं नाओ प्लेस द स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ द मिरर कैन यू गेट द इमेज ऑन द स्क्रीन नाव क्या आप जैसे ही किसी भी मिरर के सामने कोई स्क्रीन रख दें क्या उसके ऊपर वो जो इमेज है जो कि एक मिरर के अंदर बन जाती है उसको हम ले सकते हैं जैसे कि एक स्नैप के तौर पे रख सकते हैं उसको स्क्रीन के ऊपर इट इज नॉट पॉसिबल आई थिंक जैसा कि आप देख सकते हैं इसको एज ए स्नैप हम नहीं रख सकते बट एक कैमरे की जो इमेज बनती है कैमरे के अंदर दैट वन इज रियल इमेज एंड दिस वन इज द मीन्स ये ऐसी इमेज है जो हमें आभास होता है कि वहां इमेज है बट इमेज नहीं होती तो हिंदी में इसे हम आभासी इमेज आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं और जो इमेज हमें किसी भी स्क्रीन पे प्राप्त हो जाती है ऐसी इमेज को हम रियल इमेज बोलते हैं मीन्स ऐसी इमेज जो हम लोग बाद में भी देख सकते हैं मीन्स जैसे कभी कोई प्लेन मिरर होता है तो उसके सामने अगर हम हैं तो हमारी इमेज उसके अंदर है जैसे ही हम हटेंगे तो हमारी इमेज वहां पर नहीं रहेगी लेकिन अगर हम इसको स्क्रीन पे ले लेते हैं किसी भी चीज तरीके से स्क्रीन पे ये इमेज आ जाती है तो हम अब प्लेन मिरर के सामने हो या ना हो हमारी इमेज जरूर बनी रहेगी नेक्स्ट एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट थ्री टेक ए चेस बोर्ड इफ ए चेस चेस बोर्ड इज नॉट अवेलेबल ड्रा ऑन ए चार्ट पेपर सिक्सटी फोर एट इंटू एट स्क्वेयर्स ऑफ इक्वल साइज मीन्स लाइक दिस सो प्लेस एनी स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज ए पेंसिल शॉर्पनर एट द बाउंड्रीज ऑफ द थर्ड स्क्र काउंटिंग फ्रॉम द मिरर मिररर से काउंट कर सकते हैं आप नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज नाउ सिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्रीज ऑफ द फोर्थ स्क्र अगेन नोट द पोजिशन ऑफ द इमेज डिड यू फाइंड एनी रिलेशन बिट्वीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट क्या आपको कोई इसमें लगता है कि जैसे हम लोग आ, तीसरे से चौथे में हम इसको बॉक्स के अंदर अगर इसको हम शिफ्ट करते हैं तो क्या आपको कोई चेंजेज लगते हैं मे भी हो सकता है कि इसमें कोई चेंज आ जाए बट देखने में आपको आ, सेम दिखाई देगा क्योंकि अब इस तरफ तीन बॉक्सिस हैं तो फिर इस तरफ तीन बॉक्सिस रह जाएंगे सो नेक्स्ट यू विल फाइंड दैट द इमेज इज दैट इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट जैसे सामने से फ्रंट फ्रंट से इमेज दूर होती है किसी भी ऑब्जेक्ट से किसी भी मिरर के अंदर वैसे ही इमेज भी हमें दूर दिखाई देती है जैसे ऑब्जेक्ट नाउ फिफ्टीन पॉइंट थ्री राइट और लेफ्ट मीन्स ये एक मिरर इमेज के अंदर बताया गया है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड किस प्रकार से एडजस्ट होती हैं वेन यू सी यूर इमेज इन ए प्लेन मिरर इट एक्जैक्टली लाइक यू हैव यू एवर नोटिस दैट देयर इज वन इंटरेस्टिंग डिफरेंस बिटवीन यू एंड योअर इमेज इन ए मिरर आपकी इमेज और आप जब भी मिरर के सामने होते हैं एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो वहां पर आपको देखने पे कोई भी किसी भी प्रकार का अंतर महसूस नहीं होगा लेकिन जब हम उसे गौर से देखेंगे तो हमें पता चलेगा किस प्रकार से हमारे हैंड्स की पोजीशन मीन्स आप अगर राइट हैंड उठाते हो अपनी तरफ से तो इमेज की तरफ से वो राइट हैंड दिखाई देगा आप लेफ्ट हैंड उठाते हो तो इमेज की तरफ से वो राइट हैंड दिखाई देगा तो इस प्रकार से राइट right का लेफ्ट बन जाता है लेफ्ट का राइट right. मीन्स ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज बन जाती है नाउ एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट फोर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज राइज योर लेफ्ट हैंड विच हैंड डज योर इमेज राइज नाउ टच योर राइट ईयर विच यर डज यूर हैंड टच इन योर इमेज मीन्स सेम वही चीज़ें ये बताने जा रहा है जो मैंने आपको बताई हैं ऑब्जर्व केयरफुली यू विल फाइंड दैट इन द मिरर द राइट अपीयर्स लेफ्ट एंड द लेफ्ट अपीयर्स राइट नॉट दैट ओनली साइड्स आर इंटरचेंज द इमेज डज नॉट अपीयर अप साइड डाउन नाउ राइट डाउन योर नेम ऑन ए पीस ऑफ पेपर एंड होल्ड इट इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर तो जैसा कि आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ से ये इसका लेफ्ट हैंड और अगर इमेज की तरफ से देखें तो इसका राइट right हैंड बनता है 15.8 पॉइंट एट लेफ्ट हैंड अपियर ऑन द राइट साइड इन द इमेज इसी प्रकार से आपने देखा होगा एम्बुलेंस अक्सर एम्बुलेंस उल्टे अक्सर लिखे होते हैं ऐसा क्यों होता है एक्चुअल में जब भी किसी मरीज को इसमें ले जाया जाता है तो टाइम मरीज पेशेंट जो है उसकी अगर इस पर नज़र पड़ती है एम्बुलेंस लिखे हुए पे नज़र पड़ती है तो वो उसको क्योंकि वो उल्टा लेटा होता है इसलिए उसको ये सीधा दिखाई देता है सो दैट इज वाई इस पर थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ दिखाई देता है दूसरा एक जो बड़ा मेन रीज़न है इसका एम्बुलेंस को इस प्रकार से लिखने का वो है कि सामने वाले को जैसे मान लो मैं गाड़ी आगे चला रहा हूँ तो मेरे पीछे एम्बुलेंस आती है तो एम्बुलेंस का जो मिरर रिफ्लेक्शन है मेरे मिरर में जो दिखाई देगा वो बिल्कुल क्लियर उस बिल्कुल इरेक्ट दिखाई देगा सीधा दिखाई देगा जैसे ही मैंने उसको पढ़ लेना एम्बुलेंस तो मैं रास्ता छोड़ दूंगा तो ये है इसका मेन मोटिव एम्बुलेंस को आ, थोड़ा सा अजीब से तरीके से लिखना मींस उल्टा लिखना लेटरली उल्टा लिखना नाउ कैन यू नाउ अंडरस्टैंड वाई द वर्ल्ड एम्बुलेंस इज रिटर्न एज इन फिगर फिफ्टीन पॉइंट नाइन वेन द ड्राइवर ऑफ ए व्हीकल एड ऑफ ए एम्बुलेंस लुक्स इन हर हिज रियर व्यू मिरर सी ही कैन रीड एम्बुलेंस रिटर्न ऑन इट एंड गिव वे टू इट उसी टाइम साइड दे देगा वो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी वन ऑफ अस टू अलाओ एन एम्बुलेंस टू पास विदाउट ब्लॉकिंग इट्स वे मीन्स जब भी एम्बुलेंस हमारे पास या नज़दीक आती है तो उसके लिए हमें रास्ता छोड़ देना चाहिए जिससे वो बहुत जल्दी से मरीज को डॉक्टर के पास पहुँचा सके और मरीज़ जो पेशेंट होता है उसको बचाया जा सके यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द साइड मिरर ऑफ ए स्कूटर और ए कार the इमेज ऑफ all द ऑब्जेक्ट्स appears स्मॉलर than द ऑब्जेक्ट्स दैम have हैव यू एवर वंडर्ड वाई इज इट सो मीन्स आपने देखा होगा कि हमारी स्कूटर्स कार्स के जो मिरर्स होते हैं साइड मिरर्स उनमें हमें बहुत बड़ी इमेज दिखाई देती है पीछे से मतलब बहुत बड़ा एरिया हमें दिखाई देता है क्यों जबकि प्लेन मिरर के अंदर जितना सामने होता है उतना ही दिखाई देगा उसी साइज का ऐसा क्यों होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें जो प्लेन मिरर है उसकी जगह पे उसकी बजाय वहां पर स्फेरिकल मिरर्स का यूज किया जाता है नाउ 15.4 प्लेइंग विद स्फेरिकल मिरर्स हम स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जानेंगे Oh, Means, और पहली एंड बुजो वर वेटिंग फॉर देयर डिनर बुजो लिफ्टेड ए स्टेनलेस स्टील प्लेट एंड सा हिज इमेज इन इट ओ दिस प्लेट्स एक्ट एज ए प्लेन मिरर मीन्स बोझो और पहेली जैसे ही खाने के लिए वेट करते हैं वो देखते हैं कि प्लेट के अंदर उनकी मिरर इमेज दिखाई देती है मीन्स कि वहाँ पर भी इमेज प्लेन मिरर की तरह दिखाई देती है जब वो प्लेट में अपने आप को देख पाते हैं तो बड़े ही आश्चर्यचकित रहते हैं कि इसमें भी रिफ्लेक्शन के कारण हमें दिखाई देता है सो मैनी इमेज इज इरेक्ट एंड इज ऑफ द सेम साइज पहली सा हर इमेज यूजिंग द बैक ऑफ ए स्टील स्पून बूजो लुक्स हेयर आई कैन आल्सो सी माई इरेक्ट इमेज थ्रो इट इज स्मॉलर इन द साइज द स्पून ऑल्सो एक्ट एज ए मिररर ऑफ सेम काइंड सेड पहेली मीन्स जिस प्रकार से एक प्लेट के अंदर उसकी मिरर इमेज दिखाई देती है उसी प्रकार से एक चम्मच स्पून के अंदर भी ऐसा दिखाई देता है और स्पून में थोड़ा सा लिटल बिट चेंज होता है कि हमारी इमेज बहुत बड़ी दिखाई देती है स्पून की बैक साइड से ऐसा क्यों होता है तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है जो रिफ्लेक्शन होता है वह स्फेरिकल मिरर के अकॉर्डिंग होता है वहाँ पर जिससे हमारी इमेज बड़ी हो जाती है वो हमारा एरिया ज्यादा कैप्चर कर पाता है यू कैन ऑल्सो यूज ए स्पून और एनी कवर्ड साइनी सरफेस टू सी यूर इमेज एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट फाइव टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून ब्रिंग द आउटर साइड ऑफ द स्पून नियर यूर फेस एंड लुक इट इन टू इट डू यू सी योर इमेज इन इट टेन पॉइंट फिफ्टीन पॉइंट टेन में हम देखेंगे इज दिस इमेज डिफरेंट फ्रॉम वट यू सी इन ए प्लेन मिरर इज़ दिस इमेज इरेक्ट इज द साइज ऑफ द इमेज द सेम स्मॉलर और लार्ज तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हम नोटिस करते चलेंगे कि साइज कैसा रहेगा किस प्रकार से इमेज बनेगी तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप फिफ्टीन पॉइंट टेन इमेज फॉर्म्स द आउटर साइड ऑफ द स्पून स्पून के आउटर साइड से इस प्रकार से इमेज बनती है और दिखाई देती है now look at your image using the inner side of the spoon this time you may find that your image is erect and the larger in size if you increase the distance of the spoon from your face you may see your image inverted Ulti you can also compare the image of your pen or pencil instead of your face तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार से धीरे धीरे दूर जाता रहता है तो पहले सीधी इमेज बनने के साथ साथ हमें थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही जैसे दूर दूर जाती है तो हमें इमेज उल्टी नजर आना शुरू हो जाती है सो द कवर्ड साइनी सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट एज ए मिरर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कवर्ड मिरर इज ए स्फेरिकल मिरर इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कनके इट इज कॉल्ड ए कनकेव मिरर मीन्स सफेरिकल मिरर की जो इमेज जो, जो कह सकते हैं हम लोग सरफेस है वो केव के रूप में है केव मीन्स घाटी के रूप में है दैट वन इज द कनकेव मिरर और जो उभरे हुए मीन्स आपको मैं दिखा दूं दिस इज द कनकेव मिरर दिस वन इज द कन्वेक्स मिरर क्यों आप देख सकते हैं कि इसकी जो साइनी सरफेस है वो दिस साइड है ठीक है और इसकी जो साइनी सरफेयर है वो अंदर की तरफ है तो दिस वन इज द कनकेव दिस वन इज द कन्वेक्स तो दो प्रकार के सफेरिकल मिरर होते हैं कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर वाई आर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर कार्ड सफेरिकल मिरर्स कनकेव और कन्वेक्स मिरर को हम सफेरिकल मिरर क्यों कहते हैं तो हम देख सकते हैं अब आप, बताएंगे आपको टेक ए रबर बॉल एंड कट ए पोर्शन ऑफ इट विद ए नाइफ और एक्सा ब्लेड बी केयरफुल आस्क एन एल्डर पर्सन टू हेल्प यू इन कटिंग द बॉल इस प्रकार से हम बॉल को काट लेते हैं अब दिस वन इज द कन्वेक्स सरफेस दिस आउटर सरफेस इज द कन्वेक्स सरफेस एंड द इनर सरफेस इज द कनकेव सरफेस द इनर सरफेस ऑफ ए स्पून एक्ट लाइक ए कंकेव मिर while its outer surface act like a convex mirror we know that the image of an object formed by a plane mirror cannot be obtained on a screen let us investigate if it is also true for the image formed by a concave mirror so activity 15.6 you will conduct activity 15.6 six, in the सनलाइट बी केयरफुल नेवर लुक डायरेक्टली टुवार्ड्स द सन एंड और इट्स इमेज एज इट मे डैमेज यूअर आई कभी भी हमें सन की तरफ डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए या उसकी इमेज जो रियल इमेज बनती है उसकी तरफ देखना चाहिए उसकी तरफ भी नहीं देखना चाहिए सम टाइम क्या है हमारी आईज डैमेज हो सकती है ड्यू टू हार्डनेस ऑफ द सन लाइट रे सो नेक्स्ट हम चलेंगे फिगर फिफ्टीन पॉइंट फोर ए कंकेव मिरर फॉर्म से रियल इमेज ऑफ द सन जैसा कि आप देख सकते हैं दिस वन इज द रियल इमेज ऑफ द सन और कुछ समय के बाद यहां पर ब्राइट uh, ब्राइट होने की वजह से थोड़ा सा गर्मी पैदा ज्यादा हो जाती है जिसके कारण क्या ये जलने भी लग जाता है शुरू हो जाता है बट टेक ए कंकेव मिररर होल्ड इट फेसिंग द सन ट्राई टू गेट द लाइट रिफ्लेक्टेड बाई द मिररर ऑन ए सीट ऑफ ए पेपर एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द पेपर अंटिल यू गेट ए शार्प ब्राइट स्पॉट ऑन इट फिगर फिफ्टीन पॉइंट फोर होल्ड द मिरर एंड द सीट ऑफ ए पेपर स्टडी फॉर ए फ्यू मिनट्स डज इट पेपर स्टार्ट्स बर्निंग क्या यह पेपर जलना शुरू हो जाता है तो इसके बारे में हम देखेंगे दिस ब्राइट स्पॉट इज इन फैक्ट द इमेज ऑफ द सन नोटिस दैट दिस इमेज इज फोर्म ऑन ए स्क्रीन स्क्रीन पे ली जा सकती है ये एन इमेज फॉर्म ऑन ए स्क्रीन इज कार्ड ए रियल इमेज जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं जो भी स्क्रीन पे इमेज ले ली जाती है उसे हम रियल इमेज कहते हैं रीकलेक्ट दैट इन एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट टू द इमेज फोर्म बायन मिर कुड नॉट बी ऑप्टेंड ऑन ए स्क्रीन सच एन इमेज इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज मीन्स जैसा कि आपने फिफ्टीन पॉइंट टू एक्टिविटी में देखा है कि जो इमेज हमें प्राप्त होती है दैट मन इज द वर्चुअल इमेज और इसके बारे में अच्छे से मैं बता भी चुका हूं आपको फिफ्टीन पॉइंट टू एक्टिविटी में नाउ एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट सेवन फिक्स सेकंड केव मिरर ऑन ए स्टैंड एनी अरेंजमेंट टू कीप द मिररर स्टडी वुड डू एंड प्लेस इट ऑन ए टेबल फिगर फिफ्टीन पॉइंट फिफ्टीन पेस्ट ए पीस ऑफ व्हाइट पेपर ऑन ए कार्डबोर्ड सीट से अबाउट सेम सी फिगर फिफ्टीन पॉइंट फिफ्टीन रियल इमेज फोर्न बाय ए कनकेव मिरर तो जिस प्रकार से हमें इसमें दिखाई दिया है कि एक कंकेव मिरर हमारे पास है उसकी इमेज कंकेव मिरर ऑब्जेक्ट और इसकी इमेज आप देख सकते हैं कि आपको प्राप्त होती है इसकी एक स्क्रीन पर जो ये इमेज है वो इन्वर्टेड है उल्टी है देख सकते हैं आप अच्छे से मींस इसमें भी आप अच्छे से इसको डायग्नोज कर सकते हैं देख सकते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे दिस विल एक्ट एज ए स्क्रीन कीप ए लाइटेड कैंडल ऑन द टेबल एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट फिफ्टी सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ट्राई टू ऑपटेन द इमेज ऑफ द फ्लेम ऑन द स्क्रीन दिस मूव द स्क्रीन टिल ए शार्प इमेज ऑफ द फ्लेम इज ऑप्टेंड मेक श्योर दैट द स्क्रीन डज नॉट स्क्रीन डज नॉट ऑब्स्ट्रेक्ट द लाइट फ्रॉम द कैंडल फॉलिंग ऑन द मिरर इज दिस इमेज रियल और वर्चुअल इज इट ऑफ द सेम साइज एज द फ्लेम मीन्स आपको इसमें कुछ दिखाई दिया है कि एक प्लेन मिरर हमारे पास है जिसके अंदर हम लोग इस कैंडल फ्लेम की फ्लेम को देख पा रहे हैं क्या ये एक रियल इमेज है या फिर यह एक वर्चुअल इमेज है तो यह एक वर्चुअल इमेज है जिसको हम किसी भी स्क्रीन के ऊपर नहीं ले सकते सो नाउ मूव द कैंडल टुअर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट ए डिफरेंट distances from it in each case try to obtain the image on screen record your observation in table 15.1 is it possible to obtain the image on the screen when the candle is too close to the mirror 15.16 we see that the image formed by a concave mirror can be smaller or large in the size that the object the image may also be real or virtual concave mirror are uh, यूज फॉर मैनी परपजिज यू माइट हैव सीन डॉक्टर यूजिंग कनकेव मिररर फॉर एग्जामिन आइज ईयर्स नोज एंड थ्रोट इन सभी चीज़ों को देखने के लिए एक डॉक्टर यूज़ करता है आपने कभी आप एक्सपीरियंस किया होगा जरूर कन्केव मिररर्स आर ऑल्सो यूज बाई डेंटिस्ट टू सी एन एनलार्ज इमेज ऑफ द टीथ टीथ की इमेज को देखने के लिए डेंटिस्ट भी यूज करते हैं रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चिज हेडलाइट्स ऑफ कार्स एंड स्कूटर्स आर कनकेव इन शेप शेप कनकेव की शेप में ये लाइट्स वगैरह भी होती हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिफ्टीन पॉइंट सेवेंटीन ए डेंटिस्ट एग्जेमिन एग्जामाइनिंग ए पेशेंट पेशेंट को देख पा रहा है और इस प्रकार से एक मिरर कनके मिरर उसके पास होता है जिसके द्वारा वो इमेज को अच्छे से देख पाता है टीथ की ज इमेज इन द साइनी सरफेस ऑफ द बाल ऑन हिज न्यू बाइसकिलेज वॉज इरेक्ट एंड स्माल इन साइज वी ही वंडर्ड तो वह फिर से चौंक जाते हैं जैसे कि फिफ्टीन पॉइंट एटीन रिफ्लेक्टर ऑफ टोर्च लाइट्स देखा हुआ है दिस इज द रिफ्लेक्टर ऑफ टोर्च लाइट मीन्स ये कवर्ड होता है ये दिस वन इज द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च लाइट और दिस वन इज द रिफ्लेक्टर ऑफ टॉर्च लाइट ये कवर्ड रूप में होता है जिससे क्या लाइट सीधी रेखा में जाती है मीन फोकस और भी अच्छा हो जाता है इसके द्वारा नेक्स्ट इफ द बेल इज ऑल्सो ए काइंड ऑफ सफेरिकल मिरर कैन यू रिकोगनाइज द टाइप्स ऑफ द मिरर नॉट दैट द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द बेल इज कन्वेक्स नेक्स्ट एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट एट रिपीट एक्टिविटी नाउ विदर इन प्लेस ऑफ कनकेव मिरर रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन इन टेबलर टू दिफ्टी पॉइंट वन अब हम क्या करेंगे जो फिफ्टीन पॉइंट सेवन एक्टिविटी हमने की है इसी सेम एक्टिविटी को हम अब कन्वेक्स मिरर के साथ करेंगे इन प्लेस ऑफ कनकेव मिररर तो उसमें हम पाएंगे कुछ अलग ही तरह के रिजल्ट uh, Could you get a real image at any distance of the object from the convex? So, convex mirror. Did you get an image larger in the size than the object? Can you now recognize the mirror used as side mirror in atom mobiles? These are convex mirrors. Convex mirrors. कैन फॉर्म्स इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर ए लार्ज एरिया सो दीज हेल्प्स द ड्राइवर्स टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड देम मीन्स जो कन्वैक्स मिरर होता है वो मै मैक्सिमम वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल इमेज हम लोग क्या करते हैं अच्छे से देख पाते हैं बट हम लोग उसे स्क्रीन पे नहीं ले पाएंगे तो आपकी टेबल फिफ्टीन फिफ्टीन पॉइंट वन जिसका जिक्र बारी बारी किया जाता है इसके अंदर तो फिफ्टीन पॉइंट वन इमेज फोर्म बाय ए कनकेव मिरर फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट डिस्टेंसिस फ्रॉम इट तो उसके बारे में हम बताएंगे 50 सेंटीमीटर पे कैसी इमेज बनती है 40 पे कैसी 30 पे कैसी 20 पे कैसी 10 पे कैसी और 5 सेंटीमीटर पे किस प्रकार की मीन्स स्मॉलर लार्जर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज में आता है इन्वर्टेड है इरेक्ट है या रियल है और वर्चुअल इस प्रकार से सो so, नेक्स्ट uh, में आएंगे हम लोग फिफ्टीन पॉइंट फाइव इमेज फोन बाय ए लेंसेस अभी तक जो इमेजेस हमने बनाई थी वो सभी की सभी मिरर्स के द्वारा थी बट अब हम यूज uh, करेंगे इमेज बनाने के लिए लेंसेस का मीन्स लेंसेज क्या है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है जिसके द्वारा हम लोग देख पाएंगे कि किस प्रकार से कोई इमेज रियल बनती है वर्चुअल बनती है किस प्रकार से क्या होता है तो इस बारे में हम पढ़ेंगे यू माइट हैव सीन ए मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास आपने जरूर देखा होगा इट इज यूज टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट यू माइट हैव ऑल्सो यूज इट टू ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट ऑफ द कॉकरेच और एन अर्थ द मैग्नीफाइंग ग्लास इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ ए लेंस मींस आपने इस प्रकार का कुछ जरूर देखा होगा अपनी लाइफ में तो मीन्स uh, uh, हमारे स्केल में भी जो आजकल जो चल रहे हैं उन स्केल्स के अंदर भी ऐसा कुछ आता है और अलग से भी लेंस मिलता है जिसमें क्या है हम छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा बनाकर देख के पढ़ सकते हैं रीड कर सकते हैं सो so, नर इन द मिडल देन इट एट द एज इज आर कनकेव लेंस एक्चुअल में हमने अभी तक जो भी देखा है दैट वन इज द मिरर्स के बारे में था मिरर्स जो बीच जो अंदर की तरफ झुकाता है जिसके अंदर खाई बनी होती थी केव बनी होती थी उसे हम बोलते थे कनकेव मिरर बट यहां पर जिसमें मतलब बीच में से जो अंदर की तरफ होगा दैट वन इज द कनकेव लेंस इसको हम लेंस बोलेंगे और जो बाहर की तरफ उभरा हुआ पन होगा बीच में से दैट वन इज द कन्वेक्स लेंस उसे हम कन्वेक्स लेंस बोलते हैं अस प्ले विद लेंसेस। सो इसके लिए इट इज डेंजरस टू लुक थ्रू ए लेंस एट द सन और ए ब्राइट लाइट यू शुड आल्सो बी केयरफुल नॉट टू फोकस सनलाइट विद ए कन्वेक्स लेंस एनी पार्ट ऑफ यूर बॉडी बॉडी के किसी पार्ट पे उसका कोई भी किसी प्रकार से लेंस का रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर क्योंकि उसकी जो रियल इमेज हमारी आंखों में या कहीं भी बनती है तो हमें वो नुकसान ही पहुंचाएगी ना एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट नाइन टेक है कन्वेक्स लेंस और मैग्निफाइंग ग्लास पुट इट इन द पाथ ऑफ सन रेज प्लेस ए सीट ऑफ पेपर एशोन फिगर फिफ्टीन पॉइंट ट्वेंटी थ्री एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर यू टील गेट ए ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर होल्ड देंस एंड द पेपर इन दिस पोजिशन फॉर ए फ्यू मिनट डिगन टू बर्न क्या कोई पेपर जल, जलता है इस प्रकार से आप देख सकते हैं फिफ्टीन पॉइंट ट्वेंटी थ्री में रियल इमेज बनती है सन की बाय द एक्शन ऑफ लेंस लेंस के द्वारा दिस वन इज द लेंस दिस वन इज द लेंस लेंस के द्वारा रियल इमेज प्राप्त होती है जिससे क्या है यहां पर हल्का हल्का आप देख सकते हैं बीच में दाग भी लगा हुआ है दैट वन इज शोइंग द बर्निंग ऑफ पेपर बाय द रियल इमेज फॉर्म फ्रॉम द कन्वेक्स लेंस ऑन द पेपर दिस टाइम टू वाई आर यू नॉट गेटिंग ए ब्राइट स्पॉट दिस टाइम वी हैव सीन इन द केसेस ऑफ मिरर

try to obtain the image uh, means of the candle on a paper screen placed on the other hand other side of the lens you may have to move the screen towards or away from the lens to get a sharp image of the flame what kind of image did you get is it real or virtual so थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूंगा कि कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज मींस आप देख सकते हैं कि ये कन्वेक्स लेंस है कन्वेक्स लेंस आती हुई पैरल बीम ऑफ लाइट को क्या कर देता है कन्वर्ज कर देता है सिंगल पॉइंट मीन्स एक पॉइंट पे ये सारी की सारी लाइट को कन्वर्ज कर देता है इस प्रकार से दैट वन जो हम बोलेंगे कि जो कन्वैक्स लेंस होता है दैट वन इज द कन्वर्जिंग लेंस क्या बोलेंगे इसको कन्वर्जिंग लेंस नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन होगा डायवर्जिंग लेंस तो डाइवर्जिंग लेंस के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस के बाद बी ऑप्शन में कन्केव लेंस दिया गया है और कनकेव लेंस आने वाली लाइट को सारी लाइट को सामने जाके बिखेर देता है और जो सेंटर से आती है वो सेंटर से डायरेक्ट चली जाती है इस प्रकार से मींस कंकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हैं लाइट को फैलाने वाला डाइवर्जिंग लेंस भी इसको बोला जा सकता है नाउ वेरी द डिस्टेंस ऑफ द कैंडल फ्रॉम द लेंस ट्राई टू ऑबेन द इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम एवरी टाइम ऑन द पेपर स्क्रीन बाई मूविंग इट रिकॉर्ड यूर ऑब्जर्वेशन एज यू डिड इन एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट सेवन फोर द कन्केव मिर कनकेरर के द्वारा इस प्रकार से हम कनकेव लेंस कन्वैक्स लेंस दोनों के द्वारा अपनी कैंडल फ्लेम को जैसे कनकेव मिरर और कन्वैक्स मिरर्स के साथ हमने एक्सपेरिमेंट किया था सेम लाइक दैट 15.25 में इमेज बाय ए कन्वैक्स लेंस फॉर ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट और इमेज फोर्म बाय ए कनकेव लेंस एट डिफरेंट डिस्टेंसेस तो इस प्रकार से हम ये जो इमेजेस हैं इनके बारे में पढ़ेंगे डिड यू गेट एनी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विच यस कुड दिस इमेज बी ऑप्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन क्या ये स्क्रीन पर ली जा सकती है इज द इमेज रियल और वर्चुअल क्या ये रियल है या वर्चुअल है दिस इज हाउ ए कन्वेक्स लेंस इज यूज एज ए मैग्नीफाइंग ग्लास किस प्रकार से इसको मैग्नीफाइंग ग्लास के मीन्स डिपेंडिंग ऑन द मीन्स डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कन्वैक्स लेंस फॉर्म्स मेनली टू डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेज रियल एंड इन्वर्टेड और दूसरे पोजिशन के लिए वर्चुअल एंड इरेक्ट मीन्स ये दोनों ही तरह की कन्वैक्स लेंस दोनों ही तरह की इमेज बनाता है वर्चुअल और इरेक्ट भी बनाता है लेकिन जब एक ऐसी पोजीशन आती है जिसमें ये रियल एंड इनवर्टेड इमेज भी फॉर्म करता है सो so, अब हम बात करेंगे कनकेव लेंस वेदर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए लार्ज डिस्टेंस इट इज क्लोज टू द कनकेव लेंस ए कनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स एन इमेज विच इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट से छोटी बनाता है तो नाउ फिफ्टीन पॉइंट सिक्स सनलाइट व्हाइट और कलर्ड मीन्स सनलाइट कैसी होती है दिखने में सनलाइट व्हाइट है या कलर्ड है तो इसको हम अच्छे से डाइग्नोज करेंगे इसमें हैव यू एवर सीन ए रेनबो इन द स्काई यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपियर्स यूजअली आफ्टर द रेन वेन द सन इज लो इन द स्काई द रेनबो इज सीन एज ए लार्जर आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स मीन्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब भी बारिश के तुरंत बाद या बारिश चलते हुए हमें सेवन कलर्स दिखाई देते हैं आर्क के रूप में इन आवर सराउंडिंग और हम कह सकते हैं अपने एटमोस्फियर में जो कि किसके कारण संभव है सनलाइट के कारण ही संभव होता है so how many colors are present in a rainbow when observed caref carefully there are 7 colors in rainbow so, it may not be seen to oh, sorry it may not be easy to distinguish all of them these are red orange yellow green blue indigo and violet so these are the colors from a rainbow और सेम क्या है आप देख सकते हैं फिगर फिफ्टीन पॉइंट थर्टी में ऑफ सनलाइट इंटू सेवन कलर्स मींस सनलाइट को सेवन कलर्स में बदल देता है एक प्रिजम प्रिजम एक ऐसा डिवाइस है जिसके द्वारा जिसके द्वारा कोई भी लाइट अपने एक्चुअल डिस्पर्सन के रूप में आपके सामने प्राप्त हो जाती है सो so, You might have seen that when you blow soap bubbles, they appear colorful. Similarly, when the light is reflected from the surface of a compact disc CD, you see many colors. On the basis of these experiments or experience experiences, could we say that the sunlight is a mixture of different colors? Let us investigate. तो इन्वेस्टिगेट करेंगे हम इसके बारे में नाउ एक्टिविटी टेक ए नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू ए स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ ए डार्क रूम टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिजम लेट द लाइट कमिंग आउट ऑफ द आउटर फेस ऑफ द प्रिजम फॉल ऑन तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से ये सेवन कलर्स में एक सनलाइट बंट जाती है स्कैट uh, uh, हो जाती है ए वाइट सीट ऑफ पेपर और ऑन ए वाइट वॉल वट डू यू ऑब्जर्व डू यू सी कलर्स सिमिलर टू दोज इन ए रेनबो दिस शोज दैट द सन लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स द सन लाइट इज सेट टू बी व्हाइट लाइट हम वाइट लाइट बोलते हैं सनलाइट को बट इट इज कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर सात रंगों से मिलकर यह एक वाइट लाइट बनती है दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ सेवन कलर्स ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज कलर्स एंड राइट देअर नेम्स इन यूर नोटबुक इन कलर्स को पहचानें और इनके नाम लिखें अपने नोटबुक में कैन वी मिक्स दीज कलर्स टू गेट वाइट लाइट लेट एस ट्राई हम इसकी कोशिश करते हैं कि इन सभी कलर्स को मिलाकर हम एक वाइट लाइट बना सकें सो एक्टिविटी फिफ्टीन पॉइंट ट्वेल्व टेक अ सर्कुलर board disc of about 10 centimeter diameter divide this disc into into seven segments paint the seven rainbow colors on these segments as shown in figure 15.31 a you can also paste colored papers on these segments make a small hole at the center of the disc fix the disc loosely on the tip of a Refill of a ball pen. Ensure that the disc rotates freely. Rotate the disc in the daylight. When the disc is rotated fast, the colors get mixed together and the disc appears to be whitish. Such ए डिस्क इज़ प्रॉपरली नॉन एज न्यूटन्स डिस्क मीन्स इस प्रकार से हम इस डिस्क को अगर जोर से घुमाते हैं तो ये हमें व्हाइट लाइट के रूप में मीन्स व्हाइट कलर के रूप में दिखाई देने लग जाती है ऐसी डिस्क को बोला जाता है न्यूटन डिस्क ए डिस्क विद सेवन कलर्स इट अपीयर्स वाइट ऑन रोटेटिंग मीन्स एक डिस्क है सेवन कलर्स की जैसे इसको हम रोटेट करते हैं तो ये वाइट कलर्स में इस प्रकार से तब्दील हो जाती है बदल जाती है सो so, पहली हैज ए ब्रिलियंट आइडिया सी हैज प्रिपेयर्ड ए स्मॉल टॉप विद ए स्मॉल सर्कुलर डिस्क विद सेवन कलर्स रेनबो कलर्स पेंटेड ऑन इट व्हेन इट द टॉप रोटेट्स इट अपीयर्स नियरली वाइट मींस जैसा कि आप फिगर फिफ्टीन पॉइंट थर्टी टू में देख सकते हैं इस प्रकार से भी हम क्या कर सकते हैं सेवन कलर्स जो रेनबो में होते हैं उनको डिस्क के ऊपर इस प्रकार से कर लिया जाता है पेंट कर लिया जाता है और उसको बाद में रोटेट जैसी होती है वो उस रोटेशन के दौरान वो व्हाइट अपीयर होती है ओके दिस चैप्टर इज ओवर नाउ प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लॉइन हटकीन लर्नर प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स